प्रजापतिनत्वदितमानसानाद्धियेधामन्नध्यैरयन्त ॐ देवायुनानि विद्वान् ोषान्ते नमः ॐ भूर्भुवः स्वौरिव भूम्ना पृथिवीव वायुना तस्यास्ते पृथिवी देवय प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः इन्द्राय स्वाहा मापो ज्योतिरतो मृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यामु स्वाहा स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। प्यारे बच्चों, 19वीं शताब्दी के महान संत, महान विचारक, दार्शनिक, वेदों के प्रकांड विद्वान स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले महापुरुष हुए, जितना भी अच्छा हो परंतु वह स्वदेशी राज्य के समान नहीं हो सकता, स्वदेशी राज्य के समान सुखदायक नहीं हो सकता। यह कथन सर्वप्रथम स्वामी दयानंद का है इतिहास में। और उन्होंने कहा कि मनुष्य का क्या कर्तव्य, मनुष्य का कर्तव्य उन्होंने लिखा कि जो जिन जिन कर्मों से प्राणियों का उपकार हो उन उन कर्मों का करना, और जिन जिन कर्मों से प्राणियों का अहित हो उन उन कर्मों को छोड़ना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य। स्वामी दयानंद सरस्वती कहे कि सत्य का खोज करना, असत्य का त्याग करना मेरा परम धर्म। उन्होंने आजीवन सत्य के खोज में अपना जीवन लगाया और असत्य के त्याग में उन्होंने उपदेश किया, वन में सत्य को छोड़ा। गायत्री मंत्र से हम ज्यादा आहुति करवाते हैं क्योंकि गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र के बारे में ऋषियों ने कहा है कि यह चारों वेदों का सार है, सभी ज्ञानों का ज्ञान इसमें भरा पड़ा है। और गायत्री मंत्र में ध्यान करने का उपदेश दिया गया है, सभी समस्याओं का समाधान ध्यान में, जो करे ध्यान वह बने ज्ञानी, ध्यान करने वाला ज्ञानी बनता है। आप ध्यान करिएगा ज्ञानी बनिएगा। धीमहि मतलब हम ध्यान करें, किसका ध्यान करें, सविता का ध्यान करें, सविता मतलब सूर्य, सूर्य का ध्यान करें। सूर्य हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरक, सूर्य से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, प्रतिदिन सुबह उठते हैं समय पर कार्य कर शुरू कर। हाँ, कहते हैं मसूर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।